बहुत बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं, कहना चाहेंगे? मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ भी प्रॉब्लम आपको होती है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप लोग अपने लाइव आकर मेरे से बोल सकते हैं, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप सबका मदद करूँगा। ऐसे भी मैं अगर ज़्यादा जहाँ बाढ़ाई होगी मैं कोशिश करूँगा जो मैं उनके लिए जो भी सामान भेजता हूँ, जो भी उनके लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको भेज दूँ। तो मैं आप सबसे अपील भी कर रहा हूँ कि जिनको जहाँ मजबूरी होगी एक बार लाइव आकर और आप मेरा नाम लेकर आप मुझसे बोलिएगा ज़रूर, और अपना जगह और पता ज़रूर बोलिएगा। हो सकता है वो लाइव कई लोगों के पास पहुँचेगा, तो उसी लाइव से हो सकता है जो मेरे ही जैसे लोग हैं जो स्टार भी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, उद्योगपति भी हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप लोग प्लीज़ जाइए और वहाँ मदद करिए। मैं तो अब नहीं जा पाऊँगा, जब से मैं मुजफ्फरपुर गया हूँ तब से घबरा गया हूँ। आज तक से लेके NDTV से लेके ABP न्यूज़ से लेके हर आदमी ने मेरा विद्रोह कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो दुनिया हमें बोलती है कि हम इनको यहाँ तक पहुँचा दिए और ये हमारे दुख में नहीं आ रहे हैं। हम जाते हैं तो मीडिया के कुछ लोग हैं जो बोलते हैं जे यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए, बताओ फ़ोटो खिंचाओ कहते हमारा हॉस्पिटल मिल रहा है। मैंने ये तो सोचने की बात है कि कोई भी आदमी अगर किसी के दुख में जाता है तो वहाँ फ़ोटो खिंचाने तो जाएगा नहीं। हम एक इंसान हैं, ऐसे नहीं कि हम जानवर हैं। ये ऐसा काम तो जानवर भी नहीं करता है, हम तो इंसान हैं, हमें तो दुख भी समझ में आता है और सुख भी समझ में आता है। उसके बावजूद भी दुनिया, अब देखिए किसी को हम रोक तो नहीं सकते हैं। हम मुँह पर रिलायंस के मीटर तक लागल नहीं खेजे, बिजली के बिल लगाता जितना बोले के बाद लोग बोल देता, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी कष्ट हो, चाहे वो बेतिया हो, रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर हो, या मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, छपरा हो, सिवान हो, देवरिया हो, जहाँ भी अगर आप बाढ़ से प्रॉब्लम में हैं या आपको परेशानी है, तो प्लीज़ आप लाइव आकर मेरा नाम लेकर मेरे से बोल सकते हैं। जगह का पर्टिकुलरली नाम दे देंगे आप, अकाउंट नंबर 5 लोग मिलकर मुझे दे देंगे कि इस अकाउंट में डाल दीजिए, हम आपके तरफ से मदद लोगों का कर देंगे। तो मैं अपने तरफ से जो हो सकेगा, मेरी जो सब क्षमता है, मेरी शक्ति है, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है और रहेगी भी, जब तक जीऊँगा तब तक सोशल काम में मुझे मज़ा आता है। मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये जीवन सिर्फ अपने अपने बच्चों के लिए ही नहीं मिला है, बाकी भी दुनिया में बच्चे हैं जो अनाथ हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अनाथ हैं उनको अपना कर और उनके जीवन के लिए कुछ कर सकूँ, तो ये मेरी कोशिश रहती है।